इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। पाई पाई जमा करके जब आप अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाते हो तो मन में अनेक तरह के सवाल और संशय होते हैं। उसमें से एक मुख्य सवाल जो बार बार सामने आता है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीदने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी कोई पंगे की या पचड़े की प्रॉपर्टी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉपर्टी का मैं एग्रीमेंट साइन कर लूँ, बाद में पता चले कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन चल रहा है या कोई और ऐसी दिक्कतें पैदा हो रखी हैं जिससे आपके मेहनत की कमाई खटाई में पड़ जाए? तो दोस्तों, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए अनेकों कॉल्स मेरे पास आते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करें। जब हम कहते हैं किसी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई पंगा ना हो, एक स्मूथ ट्रांजेक्शन हो जाए, आप अपनी प्रॉपर्टी को बाद में पैसे दे के आराम से एंजॉय कर सकें, तो उसके लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस ठीक से किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे नुस्खे बताऊंगा, 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि अगर आप खुद एक्टिव हैं तो आप बिना किसी वकील के सहायता से खुद भी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। सहायता लेना चाहते हैं किसी की तो वो बात अलग है। ये 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, तरीके आपको बताऊं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पूरी ट्रांजेक्शन के दौरान। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सेलर ने आपको दिखाए हैं कि ये मेरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स फेक हो, नकली हो, जाली हो, एक ये समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वो लेके आया आपके पास उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी चेन है, यानी इसके नाम पे प्रॉपर्टी किसने की, जिसने की, उसके नाम पे क्या, कहाँ से आई, उसने किससे खरीदी, उसने किससे खरीदी, सरकार ने कब अलॉट की, वगैरह वगैरह, तो वो चेन कंप्लीट ना हो, ये दूसरे तरीके की समस्या हो सकती है। और तीसरे तरीके की समस्या हो सकती है दोस्तों कि प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल रूप में, यानी कि आपने प्रॉपर्टी कागजों में तो लिखा है इतना एरिया है प्रॉपर्टी का, 100 स्क्वायर यार्ड्स, 100 गज की है, लेकिन एक्चुअल में 100 गज की नहीं है, वो 99 गज की है या 102 गज की है। ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, या प्रॉपर्टी का कोई नक्शा पास हो रखा था परंतु जो मौके पे बना हुआ वो नक्शे के हिसाब से नहीं बना हुआ, जहां बालकनी बनानी थी वहां बालकनी को कवर करके ड्राइंग रूम को बढ़ा दिया है, या वो कॉलोनी ही अनऑथराइज्ड है, वहां पे कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ रखा है कि यहाँ घर डिमोलिश किए जाएंगे, गिराए जाएंगे या एक्वायर किए जाएंगे किसी वजह से, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो चौथी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, वो ये है कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट या लिटिगेशन ना हो और प्रॉपर्टी पे कोई मोर्गेज यानी गिरवी तो नहीं रख रखी कहीं पे, कोई चार्ज तो नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम को ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है प्रॉपर्टी का, आप जानते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है ये जानने के लिए कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदने का आप एग्रीमेंट करने जा रहे हो उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, झगड़ा तो नहीं है, विवाद तो नहीं है, कोर्ट केस तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी गिरवी तो नहीं रखी है कहीं पे। तो जो पहला और मूलभूत कार्य आपको करना है वो ये करना है कि एग्रीमेंट के समय टोकन देने से भी पहले, बयाना देने से भी पहले आप उसको बोलिए, भाई साहब जिस दिन ट्रांजेक्शन होएगी बयाना दूंगा उस दिन सारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर लेके आना, अपने पास ही रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना फोटोकॉपी ले रहा हूं ना कुछ और ले रहा हूं, दे दे तो बढ़िया बात है लेकिन लेके आना। अब वो जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेके आएगा आप या तो खुद उसे चेक करें या किसी विद्वान जानकार व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं या किसी और से कंसल्ट कर लें। उसमें आपको ये देखना है कि वो डॉक्यूमेंट की जो चेन है वो कंप्लीट है या नहीं और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कलर फोटोकॉपी लाके दिखा रहा हो, कलर वलर नहीं देखनी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देखने हैं कि अगर ये घर इसके नाम पे है तो इसने किससे खरीदा था, उसने किससे खरीदा था, उसने किससे खरीदा था, और सरकार ने या किसी बिल्डर ने इन्हें कब अलॉट किया था, वो शुरू से लेके आखिर तक के हर सेल डीड, हर
जीपीए जो भी उस टाइटल डॉक्यूमेंट का पार्ट है वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, पेन पेपर पे नोट करते जाना, जो भी मिसिंग हो बीच में कि इसने किससे खरीदा, वो वाले डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो वो पेपर पे लिख लेना कि ये वाला डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी चेन में मिसिंग है। तो अगर वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर लेके आ रहा है और पूरी चेन लेके आ रहा है तो एक प्रीमा फेशाई प्रथम दृष्टि में आप ऐसा मान सकते हो कि यस इस प्रॉपर्टी की चेन कम से कम कंप्लीट है, दस्तावेज ओरिजिनल इसके पास है। अगर गिरवी होते बैंक में तो बैंक तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर ले लेता है तो शायद इसके पास ना होते। तो अगर सेलर कोई इस प्रकार की बातें कह रहा है कि लॉकर में रखे हैं, यहां रखे हैं, ये पापा के पास रखे हैं, ये मेरे पास रखे हैं, ये मैं बाद में दिखा दूंगा, तो वो कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं है। ही मे बी राइट, ही मे नॉट बी राइट, वी डोंट नो, बट वो संतुष्टि नहीं होती है इस प्रकार के उत्तरों से। अब आता हूं दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट की कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर उसके पास और चेन कंप्लीट है तो कोर्ट में विवाद नहीं चल रहा होगा या बैंक के पास प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि बैंक से उसने लोन ले लिया हो और उसने बिल्डर से पेपर कलेक्ट किए और अभी तक बैंक में जमा ना किए हो, इस बीच में वो आपसे सौदा करने आ गया हो, तो हो तो कुछ भी सकता है। तो सभी पॉइंट्स को कलेक्टिवली देखना है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है sersai.org.in, sersai.org.in। इस वेबसाइट पे जाके एक पब्लिक सर्च का ऑप्शन है जहां पे कई तरह की सर्च आप कर सकते हो एक नॉमिनल सी फीस देके कि इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट तो नहीं कर रखा किसी बैंक ने। एज पर लॉ, एज पर रूल, अगर कोई व्यक्ति बैंक से प्रॉपर्टी मोर्गेज करके लोन लेता है तो उसे सरसाई की वेबसाइट पे जाके वहां एंट्री करनी पड़ती है कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है, और जब वो लोन खत्म हो जाता है तो भी वहां से चार्ज हटाना पड़ता है, तो वहां चार्ज क्रिएशन डेट भी आएगी, चार्ज रिमूवल डेट भी आएगी। सरसाई पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियो पहले बना रखे हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप दोनों वीडियो देख सकते हो। ये एक कम खर्चीला उपाय है ये चेक करने का कि प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज तो नहीं है। फिर सावधान कर रहा हूं कि इस वाले पॉइंट की भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है, कई बार बैंक ने प्रॉपर्टी तो मोर्गेज कर ली पर अभी तक चार्ज क्रिएट नहीं किया है, कई बार सामने वाले ने लोन उतार तो दिया है परंतु बैंक ने अभी तक चार्ज वहां से हटाया नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। आता हूं थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहां जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां रजिस्ट्री होगी उस प्रॉपर्टी की, आप उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, फिजिकली जाइए, और वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है जिससे कि आप ये बोलेंगे सब रजिस्ट्रार को कि मुझे इस प्रॉपर्टी के संबंध में NEC चाहिए, NEC निल अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। निल अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है, अनकम्बरेंस का मतलब साधारण भाषा में होता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भार तो नहीं है, भार मतलब कोई ऐसा लीगल दायित्व, लीगल लायबिलिटी, बर्डन, चार्ज तो नहीं है। तो वो पता करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाएं। तो अगर वहां पे वो रजिस्टर्ड मोर्गेज हुआ होगा या कोई कोर्ट के ऑर्डर से कोई चार्ज आया होगा और रजिस्ट्रार के पास नोटिफिकेशन आया होगा तो उसने वहां पे एंट्री कर रखी होगी रिकॉर्ड में, तो वहां पे अगर चार्ज होगा तो भी आपको जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां से एक सेपरेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस प्रॉपर्टी पे इस चीज की लीगल लायबिलिटी है एज पर आवर रिकॉर्ड्स। नहीं होगा तो भी मिल जाएगी कि हमारे रिकॉर्ड्स में कम से कम इस प्रॉपर्टी पे किसी तरह का भार, लीगल दायित्व, चार्ज, मोर्गेज इत्यादि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ राज्यों में तो ये जो फैसिलिटी है NEC लेने की, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेने की, वो ऑनलाइन है, वहां आप अप्लाई कर सकते हो, और कुछ राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में फिजिकली ही जाना पड़ता है। अब वो आप जाओ या वहां पे कोई एजेंट ढूंढो या कोई वकील ढूंढो वो आप समझो, पर ये एक जरूरी काम है जो कि कर लेना चाहिए। और इसकी भी लिमिटेशंस हैं, जैसे हर पॉइंट की लिमिटेशन ये है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी पे कोई एनकम्बरेंस हो और वो रजिस्ट्रार ऑफिस को इंटीमेट किया गया हो, जरूरी नहीं है। अगर सरकारी रिकॉर्ड में वो सूचना आई होगी तो वहां मिल जाएगी, नहीं आई होगी तो नहीं मिलेगी, कोई प्राइवेट लेन देन हो गया होगा तो। चौथा और कंपेरेटिवली एक आसान उपाय है, वो है आपको जरूरत हो या ना हो आप बैंक लोन ले लीजिए।
भले ही आपके पास पैसे हैं खरीदने के लिए, ज्यादा लोन मत ले लो, थोड़ा लोन ले लो, जल्दी बंद कर दो उसे। लेकिन बैंक लोन अगर आप ले लोगे तो बैंक जो आपसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेता है उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी को फिजिकली चेक करना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, प्रॉपर्टी की चेन चेक करना और एनईसी चेक करना भी, जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि एनकम्बरेंस है या नहीं है, और सरसाई में चेक करना, ये एक फिजिकल प्रीमा फेशाई वेरिफिकेशन बैंक कर लेता है। क्योंकि बैंक को लगता है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हमारा पैसा जा रहा है, इसलिए ये सारे काम जो आप पर्सनली आपको करने थे या करने मुश्किल हो रहे थे, तो बैंक जो अपने पैनल पे एजेंसीज अपॉइंट करता है उनके माध्यम से करा लेता है, और उनके माध्यम से करा के उनके पास उनके रिपोर्ट्स आती है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो वो आपको इंटीमेट करेंगे कि भाई साहब हम आपकी प्रॉपर्टी पे लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी गलत बनी हुई है, या चेन गायब है, या इसमें तो पहले ही लोन चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है। तो ये सरल और आसान उपाय है बैंक लोन ले लेना, चाहे जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो जल्दी बंद कर देना। होम लोन में तो ज्यादातर क्या, होम लोन में तो प्री पेमेंट करने पे कोई चार्ज ही नहीं लगता है, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी लगती नहीं। हाँ, हो सकता है अगर आप 5-6 महीने चलाएं तो उतना सा ब्याज आपका चला जाए, दैट मे बी द ओनली लॉस, वो एक सेपरेट चैप्टर है। आता हूं पांचवें उपाय पे। पांचवा उपाय प्रैक्टिकली तो बहुत कारगर नहीं है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में ये आपको, अगर कोई डिस्प्यूट बाद में हो गया तो कानूनी रूप से कारगर है। और वो उपाय ये है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो, अगर आपको लगता है कि संशय है आपके मन में कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, या प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों रुपए में है, बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई छोटी 20-30 लाख 50 लाख वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए ये भी एडवाइजेबल है कि आप एक अच्छा सा विज्ञापन ड्राफ्ट करें या करवाएं और न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। जिस राज्य में आप रहते हैं, दो लोकल न्यूज़पेपर वहां के ले लेना, महाराष्ट्र में रहते हो तो दो महाराष्ट्र के ले लेना, और दो न्यूज़पेपर ले लेना लोकल, इसलिए कह रहा हूं जो उस क्षेत्र में प्रचलित हो। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आप हो सकते हैं मुंबई में रहते हो तो मुंबई के लोकल दो ले लो, और दो आप ले लो नेशनल न्यूज़पेपर, कोई भी एक हिंदी का ले लो एक इंग्लिश का ले लो, और उसमें ऐसा पब्लिकेशन करवाएं कि भाई ये प्रॉपर्टी का हम सौदा करने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का ये एड्रेस है, इस प्रॉपर्टी को अगर खरीदने से पहले हमने ये सूचना दी है, पब्लिक नोटिस दिया है कि अगर किसी का इस प्रॉपर्टी को खरीदने में कोई आपत्ति हो, कोई चार्ज हो, गिरवी हो, डिस्प्यूट हो, लिटिगेशन हो, क्लेम हो, राइट हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो भाई, तो इस नंबर पे हमें बताएं ताकि हम रुक जाएं ना खरीदें, तो 15 दिन के अंदर बताएं, 30 दिन के अंदर बताएं, वो तो ड्राफ्ट करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप एक ऐसा नोटिस दे देंगे, कल को कोई बात होती है तो आप कोर्ट में कम से कम ये कह सकते हो कि सर हमने पब्लिक नोटिस भी दिया था तब ये आदमी सामने नहीं आया, तो एक कानूनी रूप से बचाव होता है इस चीज का। तो ये एक प्रैक्टिकली उतना, चूंकि जरूरी नहीं हर आदमी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको कॉन्टेक्ट करेगा, तो प्रैक्टिकली ये वेरीफाई करने के लिए उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, परंतु लीगल एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो है कि एग्रीमेंट टू सेल आप जो उसके साथ बनाए, जो एग्रीमेंट बनाए प्रॉपर्टी खरीदने का और बाद में जो सेल डीड बनाए, उन दोनों के अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन में क्लॉज डली होनी चाहिए, जिसे कि हम लीगल भाषा में इंडेमनिटी क्लॉज बोलते हैं। इंडेमनिटी का मतलब होता है हानि से रक्षा, क्षतिपूर्ति क्लॉज, कुछ ऐसा कहा जा सकता है, इसे एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता इसकी। तो इसका मतलब ये है सरल भाषा में कि आप उस एग्रीमेंट की क्लोज में लिखेंगे कि सेलर ने आपको ये अश्योरेंस दिया है, ये यकीन दिलाया है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई पहले एग्रीमेंट मैंने नहीं कर रखा, किसी और को जीपीए बेचने के लिए दे रखी थी तो कैंसिल कर दी है, वो वैलिड नहीं है, अब कोई डिस्प्यूट इस पे नहीं चल रहा है, कोई लिटिगेशन नहीं चल रहा है, या ये कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, या मैंने कोई मॉर्गेज नहीं कर रखी है कहीं पे, और अगर भविष्य में कभी ऐसा पाया गया और इसकी वजह से बायर यानी मुझे कोई हानि हुई तो उस हानि की सारी भरपाई ये करेगा। इसकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, मैं तो आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो ये क्लोज एग्रीमेंट के अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि सारे वेरिफिकेशन करने के बावजूद भी, चाहे आपने जो जो मैंने पॉइंट बताए सब कर लिए, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है
कि प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मैं आज आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं सेलर के तौर पे, और मैं बेईमान आदमी हूं, फ्रॉड आदमी हूं, तो मैंने 5 दिन पहले ही मैं अपने कजन ब्रदर को बोल दूंगा कि हम बैक डेट में एक एग्रीमेंट और साइन कर लेते हैं, और उसमें वो मुझे दिखा देगा कि उसने मुझे पैसे दिए 5 दिन पहले, अपने भाई से ले लूंगा, फिर आपको प्रॉपर्टी बेच दूंगा। जब आपको प्रॉपर्टी बेच दूंगा और आपसे पैसे ले लूंगा, फिर अपने भाई से केस करवा दूंगा अपने ऊपर ही कि भाई मुझे पता चला है कि मेरे भाई ने प्रॉपर्टी का सौदा किसी और को कर दिया है, जबकि मैं पहले एग्रीमेंट बना चुका था। अब वो मेरे ऊपर केस करेगा तो एग्रीमेंट तो उसने बनाया ही है, तो कोर्ट तो केस एडमिट करेगी, केस तो चलेगा ही चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा ऐसा भाई ने भाई पे केस कर दिया, पहले एग्रीमेंट बना हुआ था। आप भी भागे भागे कोर्ट जाओगे, आप भी वहां पार्टी बन जाओगे, तो आपके पैसे फंस गए। यानी दोनों भाइयों ने मिलकर षड्यंत्र करके आपके पैसे लूटने के एंगल से पहले ही फर्जी एग्रीमेंट बना रखा था साजिश के तहत, ताकि आप उलझ जाओ। अब आप उलझ गए, अब आप चक्कर काट रहे हो, घर वाले आपको जूते मार रहे हैं कि भाई तुम में तो अकल थी ही नहीं, पहले ही कहा था सोच समझ के काम किया करो। अब आप मर गए, पैसे भी चले गए, गालियां भी सुन रहे हो, घर वालों की टेंशन भी हो रही है दिमाग में। अब आप बोलोगे, हाथ जोड़ोगे मेरे आके, भाई साहब हमें माफ कर दो, हमें ये सौदा नहीं करना, हमारे पैसे वापस दे दो। मैं बोलूंगा भाई मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, मेरा बिजनेस में घाटा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, इतने लेते हो तो ले लो, नहीं तो भाई केस लड़ लो, जीत जाओगे, भाई तो फ्रॉड है, भाई तो चोर है, मैंने उसके पैसे नकद वापस कर दिए थे। कहानियों का कोई अंत थोड़ी है, बॉलीवुड है ये भाई, कोर्ट भी बॉलीवुड से कम नहीं है। यहाँ पे हर रोज हर केस नई कहानी है, हर केस को उठाओ और आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान को दे दो, फिल्म बनेगी हर केस पे। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, और ये सारे उपाय करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।